नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 11 दिसंबर। आज का सवाल हमारी आज की वीडियोस में से ही होगा, तो आप सभी हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। एसएससी ने जारी किया साल 2020-21 का कैलेंडर। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अगले साल यानी कि साल 2020-21 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्कोर एसएससी एमटीएस, संयुक्त उच्चतर माध्यमिक के अलावा अन्य 20 भर्तियों के लिए परीक्षा की जानकारी जारी की है। एसएससी द्वारा जारी किए गए इस नए कैलेंडर के अनुसार अगले साल होने वाले एसएससी कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2 मार्च से 11 मार्च तक आयोजित की जाएगी, वहीं संयुक्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 16 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इंस्पायर अवार्ड के लिए बिहार से चुने गए 423 विद्यार्थी। केंद्र सरकार ने देश भर से नई पीढ़ी को भविष्य का इनोवेटर साथ ही साथ नव प्रवर्तक बनाने के लिए देश भर में इंस्पायर अवार्ड का आयोजन किया था, जिसमें बिहार के छात्रों ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है, जिसके तहत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इंस्पायर अवार्ड के लिए बिहार के 423 विद्यार्थियों को उनके यूनिक आइडियाज के लिए चयनित किया है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे पटना। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह पटना पहुंचे थे। उनका यह दौरा पटना में जारी शिक्षा व्यवस्था के मद्देनजर था। पटना पहुंचकर उन्होंने बिहार में चल रही शैक्षणिक गतिविधियों का अध्ययन किया। इस बाबत उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा से भी मुलाकात की। ज्ञात हो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का यह बिहार दौरा महज एक दिन का ही था। तीन एक्सप्रेसवे को जोड़ने की मिली मंजूरी। सभी बिहारियों के लिए खुशखबरी। अब दिल्ली से बिहार सफर करने वाले यात्रियों के लिए बिहार से दिल्ली जाना और भी आसान होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार अब जल्द ही तीन एक्सप्रेसवे से जुड़ने जा रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया से जोड़ने के लिए लिंक के डीपीआर को मंजूरी दे दी है, जिसके निर्माण के पश्चात बिहार का सीधा संपर्क तीन एक्सप्रेसवे से होगा, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा शामिल होंगे। 13 से बढ़ सकता है ठंड का पारा। जैसे जैसे दिसंबर बीता जा रहा है, वैसे वैसे ठंड का असर भी बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर मौसम विभाग ने भी अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का असर पटना समेत कई जिलों में 13 दिसंबर से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 13 दिसंबर से आसमान में बादल भी छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है, जिससे कि तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, वहीं ठंड में इजाफा होगा। फेम इंडिया एशिया पोस्ट के श्रेष्ठ सांसद सर्वे में बिहार के 3 सांसदों के नाम शामिल। लोकसभा चुनाव 2019 में 543 सांसदों चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे थे। फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे ने एक सर्वे किया है, जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर सांसद को जांचने की कोशिश की है और उन्हें उनके नंबर के हिसाब से उस कैटेगरी में जगह दिया है। फेम इंडिया एशिया पोस्ट ने अपने सर्वे में 25 श्रेष्ठ सांसद रमा देवी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, अजय निषाद का नाम शामिल है। राज्य बालिका कबड्डी में खगड़िया को हरा पटना पहुंची सेमीफाइनल में। बिहार के सीतामढ़ी जिले में डुमरा स्टेडियम में चल रही 46वें राज्य जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में पटना की टीम ने खगड़िया को 36-31 से हराकर सेमीफाइनल का अपना रास्ता साफ कर लिया है। वहीं बेगूसराय की टीम ने इस प्रतियोगिता में लखीसराय को 44-23 से हराकर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है और साथ ही साथ सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई हो गए हैं। बिहार के अंशुमन जाएंगे मंगल ग्रह पर। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले डॉक्टर अंशुमन भारद्वाज जल्द ही मंगल ग्रह की उड़ान भरेंगे, जहां पर वह इस बात की बारीकी से रिसर्च करेंगे कि पानी अपने तरल रूप में बना रह सकता है या नहीं। अगर उनका यह रिसर्च सफल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मंगल पर भी लोगों के रहने के लिए परिस्थिति अनुकूल हो सकती है। आपको बता दें, बिहार के अंशुमन का चयन यूरोपीय स्पेस एजेंसी के एक्सोमार्स मिशन के लिए किया गया है। अगले साल सभी सरकारी स्कूल में होगी 60 छुट्टियां। साल 2019 बस खत्म होने की कगार पर है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी सरकारी स्कूल के छुट्टियों के कैलेंडर की घोषणा कर दी है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने सारी सूची जारी कर दी है। जारी किए गए सूची के अनुसार नए कोर्स के नामांकन की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी, वहीं अगले साल छात्रों को कुल मिलाकर 60 छुट्टियां मिलेंगी। वहीं शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि सभी जयंती के अवसर पर स्कूल खुले रहेंगे। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे उदित नारायण की। जीता था जिसके लिए चाहा है तुझको जैसे एवरग्रीन गानों से हर वर्ग का मन मोह लेने वाले उदित नारायण ने 1980 के दौर में मोहम्मद रफी के साथ 19-20 फिल्म के लिए गाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। उदित नारायण का जन्म कहीं और नहीं बल्कि बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। उदित नारायण के पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाने के पश्चात संगीत की दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली। उदित नारायण ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ओडिया, नेपाली, भोजपुरी, बंगाली गाने भी काफी गाए हैं।
नालंदा के नालंदा विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इस शहर की सबसे प्रसिद्ध स्थलों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यह प्राचीन भारत में शिक्षा का एक मुख्य केंद्र था, जहां पर तिब्बत, चीन, टर्की, ग्रीस और पर्शिया के अतिरिक्त और भी दूर के स्थानों से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। साथ ही यह दुनिया के प्रारंभिक आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय के खंडर होने के बावजूद आज भी विश्व के सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों एवं खंडरों को आप देख सकते हैं। 14 हेक्टेयर में फैले इस परिसर में मंदिर, ध्यान लगाने के लिए हॉल, झील और बगीचे भी हैं। प्याज की कीमतों में हो रहा है सुधार। इतने दिनों से आसमान छू रहे प्याज की कीमतों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर बाजार समिति स्थित थोक मंडी में 4 दिनों के अंदर अंदर 400 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कि अब आगे भी इसमें और ज्यादा कमी देखी जा सकती है। ज्ञात हो बाजार में खुदरा प्याज पर 20 रुपए की कमी दर्ज की गई है, वहीं थोक मंडी में प्याज की कीमतों में 40 रुपए की कमी दर्ज की गई है। प्याज की कीमतों में हुई इस गिरावट से यकीनन आम जनता राहत की सांस ले रही है। डाकघर में बेचा जा रहा है बोतलों में गंगाजल। डाक विभाग गंगोत्री पूरे देश में गंगाजल बेचने का काम करती है, जिसके तहत अब इस गंगोत्री डाक विभाग से गंगाजल की आयात पूरे देश में किया जा रहा है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि गंगोत्री डाकघर के अलावा समूचे बिहार में करीब 261 डाकघर ऐसे हैं जहां गंगाजल उपलब्ध है। 31 अक्टूबर तक गंगाजल की लगभग 90,000 बोतलों को बेचा गया था। ज्ञात हो उक्त बातें रविशंकर प्रसाद ने पटना के गर्दनी बाग में उप डाकघर के उद्घाटन में कही है। कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पेश किया था, जिसके पश्चात अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे जदयू ने अपना पक्ष आखिरकार स्पष्ट कर दिया था। अपना पक्ष साफ रखते हुए जदयू ने इस बिल का समर्थन किया है, जिसके बाद विपक्षी दल के बोल भी तीखे होते जा रहे हैं। इसी क्रम में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जदयू पर तंज कसते हुए यह कहा है कि बिहार की एक पार्टी जो हमारे साथ के दौरान संघ मुक्त भारत की बात करती थी और इस फैसले को पलटने में मिनट भर का परहेज नहीं किया, ना जाने किस वजह से नागरिकता संशोधन बिल पर भी अपने अलग स्टैंड की तिलांजलि दे दी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 94% अभी भी प्रोत्साहन राशि से है दूर। बिहार के समस्तीपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ अब तक आधे से ज्यादा लाभुकों को नहीं मिल पाया है। जारी किए गए शोध के अनुसार अभी तक इस योजना से लगभग 94% लोग वंचित हैं, जिसका मतलब है कि इस जिले में केवल 6% लोगों को इस योजना का लाभ इस वक्त मिल रहा है। वहीं इस योजना को चलाने के क्रम में मोहनपुर सबसे आगे चल रहा है। महिला हैंडबॉल में सिवान ने अपने नाम की ट्रॉफी। बिहार सीनियर वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप के आखिरी पड़ाव में सिवान ने बेगूसराय को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम दर्ज कर ली है। ज्ञात हो बिहार सीनियर वुमेन हैंडबॉल का यह चैंपियनशिप मुकाबला मनेर के इंदर सिंह उच्च विद्यालय मैदान में किया गया था, जहां पर जीतने वाली सिवान टीम ने 26 गोल किए थे, वहीं बेगूसराय की टीम मात्र 18 गोल करने में ही सफल हो पाई थी। श्रम संसाधन मंत्री ने उद्योग न होने के कारण लोगों के पलायन की बात को माना। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार से लोगों के हो रहे पलायन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में उद्योग की कमी की वजह से आधे से ज्यादा बिहार के लोग राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बिहार की आबादी सबसे घनी होने के बावजूद यहां रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहां के लोग अपना घर चलाने के लिए बाहर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। सरस मेले में खूब हो रही है खरीदारी। पटना के गांधी मैदान में आयोजित सरस मेले में भारी हुजूम का आना जाना लगा हुआ है। लगातार इस मेले में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही इस मेले में इस बार ढेर सारी खरीदारियां भी हो रही है। आपको बता दें 15 दिवसीय इस सरस मेले का थीम स्वावलंबी महिला विकसित बिहार है। 1 दिसंबर से शुरू होने वाला यह मेला 15 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। नागरिकता संशोधन बिल पर अलग अलग दिखे प्रशांत किशोर और जदयू के विचार। हाल ही में लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड ने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया है, जिसके तहत जदयू सांसद राजीव सिंह जहां लोकसभा में बिल के पक्ष में बोलते दिखे, वहीं जदयू के स्टार प्रचारक और साथ ही साथ जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के बयान से यह साफ प्रतीत हो रहा है कि नागरिकता संशोधन पर वो पार्टी के फैसले से सहमति नहीं रखते हैं। नागरिकता संशोधन बिल पर उन्होंने साफ कहा है कि जदयू का इस तरीके से नागरिकता संशोधन का समर्थन करना पार्टी के संविधान के खिलाफ है। उन्हें पार्टी के इस रुख को देखकर काफी दुख हुआ है। NOU और PU ने जारी की दीक्षा समारोह की तारीख। नालंदा खुला विश्वविद्यालय और पटना यूनिवर्सिटी ने दीक्षा समारोह के आयोजन की तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके तहत अब नालंदा खुला विश्वविद्यालय आज यानी कि 11 दिसंबर को, वहीं पटना विश्वविद्यालय 4 जनवरी को इस समारोह का आयोजन करेगा। इस बाबत विश्वविद्यालय प्रशासन ने टॉपर्स की सूची तैयार कर ली है, जिसके बाद ही दोनों विश्वविद्यालयों ने समारोह की तारीख की घोषणा की है।
राजद ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने का लिया संकल्प। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी में भी जुट चुके हैं। इसी क्रम में राजद ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना लक्ष्य साफ कर लिया है। राजद इस चुनाव में पूरी प्रतिबद्धता के साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज करवाने की ओर काम कर रहा है। आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले हुए राजद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बात पर सोच विचार किया गया है। आए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही बादलों का आना जाना लगा रहेगा, जिसके कारण ठंड भी बढ़ेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा, मगर ठंड का असर बढ़ेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,260 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,060 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 47,490 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.25 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.89 रुपए प्रति लीटर था। कपिल शर्मा बने एक बेटी के पिता। सबको दिन रात हंसाने वाले कपिल शर्मा का पिता बनने का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। कपिल शर्मा अपनी बेटी को पाकर बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया है। पापा बनने की जैसे ही उन्होंने जानकारी दी, वैसे ही उनके फैंस ने सोशल मीडिया साइट पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी टी20 आज। भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज मुंबई के वांखड़े में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के 1-1 की बराबरी होने के कारण आज के मुकाबले का रोमांच बढ़ गया है, क्योंकि आज जो जीतेगा वो सीरीज भी अपने नाम करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। हाल ही में दिल्ली के एक फैक्ट्री में हुए अप्रिय वाक्या से आप सभी अवगत होंगे, जहां दुनिया को अलविदा कहने वालों में बिहारियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो आज का हमारा प्रश्न भी इसी से जुड़ा है, बिहार से बाहर के राज्य में पलायन कर रहे लोगों की मूल वजह क्या है। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।